Assalamu alaikum, everybody. Let me explain to people who don't know what clapping is and why do we clap. Because a lot of people were asking ki aap log clap kyun karte rehte ho, kya hai? To basically ye hota ye hai ki hum log audio aur video alag alag record karte hai na, to claps basically jab main edit kar raha hota hu na video, to jo sound wave aati hai na clap ki, wo kafi unchi aati hai, to usse video easily synchronize ho jati hai. To is still clap karta hu main. ये मेरा काम है, ठीक है? इस जाहिल को ये कोई कंपटीशन लगता है कि ये मैं क्लैप कर रहा हूँ तो ये करती है, मैं करता हूँ ये आगे से, कहती मेरा पहले वाला था क्योंकि ये हमेशा करता है, तो बस मैं चाहती हूँ कि पहले से मेरे से स्टार्ट हो, इसलिए मैं करती हूँ. Welcome back to another podcast, ladies and gentlemen. This is your host Shavi Jafri with mustache today. आज हम लोग कुछ चार दिन या बाद या पांच दिन बाद काफी टाइम बाद पांच दिन बाद मिले हैं क्योंकि मैं लास्ट टाइम इतना डे स्पेंड दो दिन का डे स्पेंड करके चली गई थी, इसलिए शायद है ना कुछ. ये रमजान की हमारी सेकंड पॉडकास्ट है जो हम लोग साथ कर रहे हैं. थर्ड, हाँ पहली जो हमारी थी, हाँ ये सेकंड है, पहली वो रमजान से पहले थी, स्टार्ट कर दिया. सो दैट्स हाउ. और आज कौन सा रोजा है? टेंथ. टेंथ रोजा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड यार. कैसे जा रहे हैं रोजे? बहुत अच्छे जा रहे हैं, आसान, सुकून. अब आसान हो गए हैं, शुरू वाले वही ना, शुरू वाले मुश्किल होते हैं, उसके बाद बिल्कुल ईजी हो जाता है. मुश्किल से याद आया हाशर की तबीयत खराब है यार, काफी टाइम से उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार हुआ है, उसको खांसी, उसको एग्जैक्ट वो सारी चीज हुई हुई है. और एक बंदे को तो मजाक लग रही है ना ये बात, मेरे मुंह पे आके खांसी जा रहा है, अगर अगर मुझे तो मैं भी हो फिर. मैंने इस तरह नहीं खांसा. मैंने कहा देखो अगर हाशर को वायरस है तो इसका मतलब मुझे वायरस है, और अगर मुझे वायरस है तो इसका मतलब तुम्हें वायरस है. तो मतलब ये मजाक नहीं है ना इस बात का कि मैं नहीं आ रही हूँ भाई, इसके बाद माजरत आप लोग के साथ. आई मीन लाइक वी डोंट हैव एनी सिम्टम्स बट यू नो If it's gonna happen, it's gonna happen. होता है, जरूरी नहीं है कि मुझे पता है, मैं वही कह रहा हूँ, आप नहीं बच सकती. मजाक नहीं है इस चीज का पार्टनर, हम लोग इस चीज को मजाक में नहीं ले सकते, दुनिया बड़ी गालियां देगी. अच्छा नहीं, हम मजाक करें, उसका पेट खराब है बेसिकली. हाशिर का पेट बहुत सख्त खराब है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है कि उस बेचारे को कोरोना वायरस हो, लेकिन उसका पेट इतना खराब है वो बेचारा ऐसे खड़ा और ऐसे विविडली मुझे कल रात को बता रहा था कि उसने क्या किया. अजीब सी लग रही है, इसके ऊपर क्या करते हैं हम, मस्कारा लगाते हैं. शायद ज्यादा अच्छी लग रहा है जी रोजा. Yes, when sir, I put mascara, she was the first one who loved it. मुझे तो अभी भी अच्छी लग रही है. मुझे तो अभी भी अच्छी लग रही है. ये अपना लॉरियल का हेयर स्प्रे लेके मैं चीज स्प्रे करने लगा, मैंने कहा पार्टनर एक सेकंड रुक जाते हैं, डार्क हमने करनी है हम कर लेते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि हम लोग कोई भी हेयर स्प्रे पकड़ के कर लें. तो ये वो कर रहा था, मैंने इससे कहा मस्कारा लगा लो, फिर एक बंदा गया और इसको तो लग रहा था ना ब्रश करना है हमने उससे, तो मजे में एक बंदा फील में ही चला जाता ना कि थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ भी, मजा आ रहा था. नाउ आई लुक लाइक दैट इंस्टाग्राम फिल्टर, टेक अ लुक एट मी. स्नैपचैट पे जो था इंस्टाग्राम फिल्टर, कौन सा मूंछो वाला? मैं भी दिखाता हूँ एग्जैक्टली कौन सा फिल्टर. स्पेनिश नहीं यार, एक इंस्टाग्राम फिल्टर आया था, बल्कि उसके साथ मैंने बड़ी तस्वीरें भी ली थी उस फिल्टर के साथ. मुझे तुम्हारी वो लेंसेस वाला याद है, ये वाला, ये ओह ये तो एग्जैक्ट पूरा पूरा है, तो हमने पे लगाओ आप ये देखो. सो माय गोल वाज टू अचीव दैट विद और विदाउट मस्कारा. मतलब सोचो हमारे क्वारंटाइन के ये दिन आ गए कि मूंछ ऐसी चाहिए. मेरा अब आजकल क्या अचीव करना चाहते हो? स्नैपचैट जैसी मूंछ, इंस्टाग्राम जैसी मूंछ. यार आई मीन लाइक तुमने वो देखा इंडिया का एक इंडिया में इंडियंस ने एक वीडियो बनाई है सारे एक्टर्स वगैरह ने मिलके. हाँ, पूरी फिल्म बनाई है लेकिन क्वारंटाइन में, जिसमें अमिताभ बच्चन की ग्लासेस गुम जाती हैं. तो खैर उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि अमिताभ बच्चन की ग्लासेस गुम जाती हैं, तो वो एक एक्टर आता है, क्या था, सारे अपने अपने घर में बना रहे हैं, लेकिन द वे द इट वाज डायरेक्टेड एंड डिजाइंड ऐसा लग रहा था सारे एक ही घर के अंदर है. कोई किसी को जाके उठाता कि वो अमिताभ बच्चन की ग्लासेस गुम गई, अच्छा उनकी ग्लासेस ढूंढो, तुमने उनकी ग्लासेस. खैर एंड में 3-4 मिनट बाद उनकी फाइनली ग्लासेस मिलती हैं,
तो वो अमिताभ बच्चन को ग्लासेस ला के देते हैं, कहते हैं ये लें सर आपकी ग्लासेस, पापा जी आपकी ग्लासेस। खैर आप इसको ढूंढ क्यों रहे थे? वो कहता है बेटा आजकल लॉकडाउन है ना, मुझे था कि कहीं गुम ना जाए तो मैं इसको संभाल के रख लूं। तो यार आई थॉट ऑफ समथिंग लाइक दैट वाज सच अ क्रिएटिव आइडिया, हमें क्यों नहीं आया ऐसा आइडिया, वी शुड डू इट ऑल ऑफ अस। अमिताभ बच्चन नहीं है एक तो पहली बात, दूसरी बात ये कि अगर हमें like, इतने आइडियाज आते होते तो हम लोग अभी घर में ना बैठे होते ना। यार वी शुड डू समथिंग लाइक दैट, एक फिल्म बनानी चाहिए। कौन कौन? लेकिन तुम्हारे तो घर में ही आधे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं अपने घर वालों के नहीं, तो मैं सनी रू yeah. ये जो अलग अलग घर में है, और कौन है? मोहसिन भाई अपने घर में होते हैं, वो मैं अपने घर में। वी शुड मेक लाइक अ रियली फनी स्क्रिप्ट एंड वी शुड गो अबाउट दैट। हां वो हम करते हैं, कितना मजा आएगा है ना, फिर हम लोग लगाएंगे। ठीक है फिट है। That would be fun. Anyways, last time we spoke about horror stories. Hamare horror experiences. Wo experiences jo humne yani ke experience kiye hum log experience kar chuke hain, humne wo experiences aap log ke sath share kiye. To humne aapse kaha ki aap apne experiences hamare sath share kare. A lot of people found that the shortest horror story very interesting, very scary. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वाह यार शावी डरा दिया आपने हमें। I mean like come on guys। मैं डर गया। मैंने कोशिश नहीं की डराने की आप लोग को। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है। वो है। मुझे क्या पता? तुमने बताया था। हाँ। दो तीन टॉपिक सुंदर ने पिक किए। Teenage crushes. So who was your first ever crush? Salman Khan. Mine was celebrity Deepika crush. Padukone. Tum itne der baad tumhe crushes hone shuru hue Deepika to ab aayi. Yeah, childhood crush Deepika 15 saal pehle aayi hai by the way. 10 saal. Om Shanti Om mein nahi aayi thi pehli wo. Haan. To Om Shanti Om 10 saal pehle aayi hogi. When was Om Shanti Om released? Oh yaar padh liye. 2008 12 saal pehle. नहीं लेकिन वो तुम्हारा बचपन का क्रश ना ना हुआ 14 तो मुझे तो सलमान खान 16 आई वाज 16 नहीं यार तुम्हें तो बहुत देर बाद हुआ है नहीं और दीपिका तो ओम शांति ओम में no, इतनी प्यारी लगी 13. भी यार मैं तुम्हारी उम्र में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मतलब कि मैं चेंज कर रही हूँ ना बात अगर तो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि ओम शांति ओम में तो दीपिका इतनी प्यारी आई भी नहीं थी दीपिका जो आई थी ना उस मूवी में पार्टनर पहले मैं खाऊंगा यार वो जो थी रामलीला में बहुत अच्छी आई थी दीपिका पाडुकोण क्या हो गया यार इजी हो जाओ क्या है कि क्या खैर मेरा था सलमान खान अच्छा यार सलमान खान तो मतलब कि पुराना इंसान है ना मतलब सलमान खान तो बहुत ज्यादा पुराना है दीपिका तो अभी 10 साल पहले कह लो चलो आई है लेकिन मैं सेलिब्रिटी क्रश की बात कर रहा हूं चाइल्डहुड टीनेज उस वक्त मैं नया नया टीनेजर बना अच्छा, था आई वाज लिटरली 13 इयर्स ऑफ एज फिर ठीक है और फिर, वो उस वक्त वो लाइक आई लुक्ड एट हर एंड आई वाज लाइक दिल में डैंग डैंग डिंग 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 डिच डिच डूम डूम हो रहा था मुझे तो मुझे तब सिद्धार्थ पसंद आता था सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या अच्छा उसके अलावा नॉन सेलिब्रिटी क्रशेस में तुम्हारा पहला वो तो मुझे बहुत चलते चलते नजर आ जाते कोई भी मुझे होता है कि बस यही पहला सच्चा प्यार हो गया और क्रश हो गया और बस शादी कर लेंगे आई फॉर मी इट वाज लाइक अ गर्ल इन माय स्कूल यार मुझे तो याद भी नहीं yeah? नहीं मुझे तो याद भी नहीं तुम्हें कौन था I can't say well, you I have to say because you can it's all right she'll be happy now that you like her that you liked her basically so no like I think she's talk. I'm pretty sure she's married now फिर भी वो अपने शोर को बताइए कि देखो बड़े बड़े लोग चाहते थे मुझे हंसी में तुम्हारे no, साथ आके I can't I can't say her name. नहीं यार गलत बात है यार मैं नहीं बोल सकता किसों से यकीन करो तुम नहीं जानती तुम जानती नहीं तुम बीकन हाउस में कब जानती थी लोगों को मुझे तुम्हारी हर फ्रेंड का पता था इसका नहीं पता होगा what no what अच्छा बताओ not her अच्छा बताओ अच्छा नहीं मैं डरा नहीं मैंने एडिट कर दिया ना बाप अच्छा वो नहीं मैंने सो बेसिकली या कैसी थी दैट वाज माय या शी वाज लाइक आई फाउंड हर वेरी प्रीटी आई थिंक ब्यूटी इज इन द बिहोल्डर ऑफ द आई तो मुझे तो काफी प्यारी लगती थी उसके बाद
मैं उसको उतना प्यारा नहीं लगता था शायद नहीं यार मैं था भी बहुत ऑकवर्ड ना बाल डेड स्ट्रेट करके बैठा रहता था बहुत ज्यादा ऑकवर्ड किड था मैं इतना ऑकवर्ड था मैं इतना ऑकवर्ड था कि मैं तुम्हें कभी अपनी स्टोरी सुनाऊं ना तो पागल हो जाओगी मैं इतना ऑकवर्ड था अच्छा एक बार तुम्हें बताता हूँ कहानी पता नहीं मैंने पहले बताई भी ये पॉडकास्ट में नहीं कि नहीं व्हेन आई जब मैं यूएस में नया नया गया ना बिल्कुल नया नया तो वहाँ पे मैं आई यूज टू बी अलोन मैं ग्रेड 10 से मैंने शुरू किया एंड आई वॉज जस्ट लाइक शायद ग्रेड 9 से शुरू किया समथिंग लाइक दैट बट एनीवेज मैं स्कूल में इतना नया था और सारे बच्चे नए थे लेकिन मैं सेमेस्टर के बीच में गया तो सबके दोस्त थे मेरा कोई दोस्त नहीं था मैं अकेला बैठता था तो मैं लंच ब्रेक में भी अकेला बैठा होता तो एक दफ़ा एक ग्रुप मेरे पास आया और दो तीन लड़के दो तीन लड़कियां और वो कहता कि तुम हमारे पास आ जाओ तुम हमारे साथ आ जाओ उसके अंदर कुछ लोग थे आई कैन नेम देम अदरवाइज दे विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली यू नो व्हाट व्हाटएवर आई विल नेम देम ओके एक लड़की थी सोनिया सही है उसकी एक दोस्त थी वनेसा अच्छा ठीक है मेरा एक दोस्त था अभी एक और मेरा दोस्त मतलब तो ये इंडियन पाकिस्तानी लेकिन चलो बता दो हाँ मैंने कहा नामों में इंटरेस्ट नहीं हो रहा मतलब विजन नहीं आ रहा बस मुझे ये है कि तीन चार फ्रेंड्स आए अच्छा फिर तीन चार फ्रेंड्स है एनीवेज तो एक दफा मुझे मेरी दोस्त सोनिया कहती है कि तुम्हें जो है वो मेरी दोस्त वनेसा पसंद करती है अच्छा यार मुझे लग रहा है मैंने नाम लेके ना गलती कर दी है लेकिन अब देखा जाएगा ठीक है अब तो सोनिया गई बेचारी तो एक दफा मुझे सोनिया कहती MSN डेज पे कि माय फ्रेंड वनेसा लाइक्स यू तो आई एम गोइंग टू टुमारो शी इज गोइंग टू कम एंड टॉक टू यू एंड आई वाज लाइक ओके नाउ मेरा एक दोस्त होता था जुरेज तो मैं लंच ब्रेक हुई ना तो अगला दिन आ गया लंच ब्रेक कोई मैं उसके साथ वॉक करके जा रहा हूँ ठीक है हम लोग आइल में जा रहे हैं वो अपना लॉकर्स के बीच में से जा रहे हैं वहाँ पे मैंने देखा मैं जुरेज के साथ वॉक कर रहा हूँ और हम कोई बात नहीं कर रहे जुरेज और मैं सामने से सोनिया और वनेसा वॉक करके आ रहे हैं और सोनिया मेरी एक सेकंड की नज़र पड़ी ना तो सोनिया यूँ करके ना मेरी तरफ पॉइंट करी है वनेसा क्योंकि वो लाइक प्रॉबेबली कह रही हूँ कि वो आ गए अब जुरेज अब मैं इतना ऑकवर्ड हो गया कि मैंने ना जुरेज के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू की मैंने कहा हाँ तो वो लाइक हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में अच्छा अब सॉरी जुरेज मेरे राइट पे है सोनिया और वनेसा लेफ्ट से मेरे पास आ रहे हैं ठीक है अब मैं फुल यूं करके ना अब मैं हम लोग यूं जा रहे हैं वो लोग सामने से आ रहे हैं अब यूं जैसे हम लोग क्रॉस होना शुरू हुआ ना मैंने जुरेज से ऊंची ऊंची बातें करना शुरू हो गई सोनिया ने ना यूं करके ना सामने मेरे हाथ रखा रुको तो सही अच्छा मैंने उसकी तरफ देखा मैंने उसको इग्नोर किया एंड देन जब हम बिल्कुल साइड बाय साइड आ गए ना क्रॉस करने लगे उसने मेरा यूं करके हाथ पकड़ा रुको मैंने यूं किया शिट छोड़ो मेरा हाथ एंड देन हाँ जुरेज तो मैं तुम्हें कह रहा था क्योंकि मैं इतना ऑकवर्ड कैरेक्टर हूं आई एम सो ब्लडी ऑकवर्ड कि मैंने उन बेचारियों को भी उस वक्त ऑकवर्ड किया। You used to be bloody awkward. I still am. If you tell me to go talk to somebody, I won't be able to because I'm you can. Awkward. You can. Like if I'm vlogging, yes I can. But if I'm not vlogging, if I'm फिर तो तू डबल करे। आई इधर आके खड़ी हूँ। अच्छा हाँ। जब गुस्सा आता हमें बात याद आ जाती है और हमें विजन सारे शुरू हो जाते हैं तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ हमारे कोई रिश्तेदार आए मीना के कमरे में बैठे और हमें गुस्सा आ जाए Anyways, so yeah, so growing up, I was extremely awkward. I think I still am. Sundas doesn't think I am, but I think I still am. Yet I have a problem. You know what I have a problem with? I have a problem with the introduction phase. मेरे से बात नहीं होती किसी से अच्छा नहीं मैं उसमें बहुत इजी हूँ उसके बाद मैं फुस हो जाती हूँ मुझे बस ये होता है कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है अच्छा चले आए जाके बैठते हैं बातें करते हैं अच्छा उसके बाद मतलब अब क्या अब मतलब ठीक है हो गया आई एनवी यू आई एम एनवियस ऑफ यू आई कैन नॉट डू दैट मुझे अगर मुझे अच्छा एक और चीज़ है ये चीज़ तुमको भी नोट करना इफ यू हैव अ क्रश इफ देयर इज अ क्रश एंड यू नो दैट दैट पर्सन इज अ क्रश
तुम दुनिया में हर किसी से जाके नॉर्मल बात कर सकती हो एक्सेप्ट योर क्रश. हाँ ये तो है. अपने क्रश से ना तुम कभी इंट्रोडक्शन प्रॉपर कर सकती हो, ना तुम कभी बात प्रॉपर कर सकती हो. अब वो जो मैंने तुम्हें अपनी बीकन हाउस में क्रश की बात बताई थी, उससे जिंदगी में आज तक मैंने बात बेचारी को पता भी नहीं होगा दैट आई रियली लाइक्ड हर. अच्छा बट लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि तुम्हें बता देना चाहिए ताकि उसको अब तो पता चल जाए. नो 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 आई डोंट थिंक एनीबॉडी नोस. I think you're probably the only person. Yeah, main growing up I was extremely extremely awkward. Akela hota tha main har waqt. Kab tak? Bahut zyada sari zindagi. Mera beta hum baad mein baat karte. Sari zindagi akela tha. Mujhe to yaad hai tumhare ek jagah se jee ek jagah koi tumhare to ek nahi wo dost to ladkon ki kaun baat kar raha hai sundas. तुम्हें लड़कियां क्यों चाहिए थी पार्टनर? तुम्हें लड़कियां क्यों, तुम क्या चाहते थे कि तुम वो सलमान खान बनो उसके वो वाला और प्रेम भैया बनो और तुम्हारे इर्द-गिर्द यहां पे भी लड़कियां तो नहीं चाहिए थी. अब ये तुम अजीब साउंड करवा रही हो इसको. मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हें इसका आंसर करूं. क्या लड़कियां तुम्हें क्यों चाहिए थी? मैं कहूं जरूरत सुंदर जरूरत. भाईजान ऐसी जरूरतें ना बाद में पूरी होती होती है, अभी इजी हो जाते होते हैं. बट या आई मीन वर यू ऑकवर्ड ग्रोइंग अप? नहीं नहीं मैं तो मुझसे लोग ऑकवर्ड हो जाते थे जितनी मैं ओपन थी. सुंदर बहुत ज्यादा टॉमबॉय थी. ये अभी थोड़ी लड़की हुई है, ये कुछ ज्यादा टॉमबॉय थी. मेरे पास एक्चुअली कुछ वीडियोस हैं जो कि इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट और द पॉडकास्ट आफ्टर दैट आई विल शो यू गाइस. बट लाइक आई एक्चुअली हैव सम रियली रियली नाइस वीडियोस. कौन सी वाली? हमारे बड़े होते वक्त. अच्छा हां ठीक है, मुझे भी दिखा देना. जब तुम यूं करके एक हैंगर के ऊपर कपड़े लटके होते ना, होती थी ना तब तो मैं बड़ी बॉय होती थी. तो हमारा ये सीन होता था कि मैं तब इतनी बड़ी बॉय होती थी ना कि मुझे तो किसी से बात करने, मुझे लगता है मैं बॉय इसलिए होती थी क्योंकि मुझे बात करने में किसी से मसला नहीं होता था. इवन अभी भी शावीर के कोई फ्रेंड्स हो, शावीर के किसी, शावीर ने किसी से मिलाना हो तो शावीर तो अच्छा ये सुंदर से, मतलब कि इसके बारे में जो करना है सुंदर खुद ही कर लेगी, कोई इस तरह की चीज नहीं है. सुंदर बहुत इजी है इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्योंकि मेरे जितने भी बॉयज दोस्त हैं तो सुंदर भी मेरा बॉय दोस्त है. तो यानी कि वो एक ऑकवर्डनेस फेज होता है ना, वो नहीं है. अपन के दरमियान में बोले तो एकदम बाटू बिट्टू भाई है ये वाला भाई. तो ये एक इसकी अच्छी बात है कि सुंदर इज लाइक अ ब्रदर टू मी, नॉट अ, एंड सुंदर कॉल्स मी सिस्टर एंड आई कॉल हर माई ब्रदर, व्हिच इज लाइक अ एक्सट्रीमली वियर्ड सिनेरियो. क्योंकि हम दोनों के पास ये चीजें हैं नहीं ना. क्या मतलब कि तुम्हारे पास सिस्टर भी मेरे ब्रदर है? अच्छा वो यार हम लोग ना बहुत आउट हो जाते हैं बात करते हुए, हमें बहुत फिल्टर्स लगाने की जरूरत पड़ जाती है. मैंने कर दिया आशर, कर दिया मैंने. हाँ तो हाँ हम लोग का ये सीन है कि हम लोग इस चीज में बहुत इजी हैं कि मैंने भी अगर शावीर को किसी से मिलाना हो तो ये, हाँ शावीर को मिलाओ तो शावीर पहले बहुत इस तरह रहता है कि जी जी आई टेक मुझे लगता है कि मैं थोड़ा, मुझे टाइम लगता है कंफर्टेबल होने में. हाँ शावीर, लेकिन जब मैं एक दफा कंफर्टेबल हो जाता हूँ देन लिटरली. सजील की जब शादी हो रही थी, अच्छा मेरे दोस्त की, तो जितना मैं वहाँ पे एक्टिव था और जितना मैं वहाँ पे डांस कर रहा था, एवरीबडी थॉट आई वाज ऑन ड्रग्स. शिट, एवरीबडी थॉट. मेरे दोस्त मुझसे आके पूछ रहा भाई क्या पी के आया है, हमें भी दे थोड़ी सी. लिटरली एंड आई वाज लाइक यार ये दिस इज लाइक आई एम एक्सट्रीमली ओवर हाइपर. अच्छा शावीर का ये है कि शावीर पहले फुल इस तरह होता है कि जी अस्सलाम वालेकुम, हां जी. अगर लेकिन ये उन्हीं लोगों में अगर ये आधा घंटा भी रहेगा ना उसी एनवायरमेंट में उसी लोगों में उन्हीं लोगों में, उसके बाद ये फिर हो जाएगा कि हां भाई अच्छा, हां सुन दोस्त तो ये मैं तो ये, अच्छा तू चल चल तू वो हमारा वो वाला फिर चला मैं तू तेरी ऐसे लेट लेट टू लेट. तो इसका ये सीन है. और मैं तो शुरू में ही ऐसी होती हूं ना कि अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है, अच्छा ठीक है सही, अच्छा ठीक है हां जी जी हां. उसके बाद मैं फिर इजी होना शुरू हो जाती हूं कि अच्छा बस अब बहुत हो गया ना. तो हमारा ये सीन है. आज हम लोग एक दूसरे के बारे में इतना क्यों बता रहे हैं लोगों को पता नहीं, आई डोंट नो क्या मतलब कि क्या मसले होते थे कि तुम हाथ बंद करके हाथ जोड़ के, यू जस्ट हैव टू सिट लाइक दिस यू नो इन गर्मियां, क्यों कि वो एक ना यूं करके राउंड राउंड गोल सी दुनिया एक अलग से वहां से निकल आती है, अलग दुनिया बसती है आपके बाजू के नीचे. एनीवेज गर्मियों का ये इशू है. या अभी सुंदर थोड़ा सा कह रही थी कि अगर क्या एक सेकंड, कुछ नहीं कह रही थी, कुछ नहीं कह रही थी, मैं चुपड़ लगा दी नहीं मुंह के ऊपर, मैं तुम्हें बता रही हूं. या ये भूल जाता है. आई वांटेड टू नो इफ यू हैव एवर वेंट थ्रू
a bullying experience. Have you ever been a bully? Or have you ever been bullied? I think I've been a bully. माजरत के साथ तेरी साली यार नहीं मुझे तुम जैसे लोगों की वजह से वो जैसे लोग बड़े जी नहीं पाते स्कूल में साली हम अकेला लंच करते और अकेले ही रह जाते हैं फिर हैं नहीं मुझे पता नहीं कि मैं बुली करती थी कि क्या फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो आपकी जो लड़ाई शड़ाई होती है वो होती है ना लेकिन एक फ्रेंड थी मेरी जिसको मैंने रुला दिया था क्योंकि मैं उसको बहुत छेड़ी थी सॉरी कि पता नहीं मुझे नहीं पता कि मैं बहुत ज्यादा चिच्चड़ सी हूँ ना कि अगर मैं तुम्हें तंग करना शुरू करूंगी मैं तुम्हें तंग किए जाऊंगी है ना और तुम होगे कि चलो ये तो सुंदर सी है ना ये तो है ही चिच्चड़ इसकी आदत है लेकिन एक फ्रेंड हमारी क्लास में थी उसको ना पता नहीं क्या हम लोग छेड़े थे कि क्या सीन है और मैं ना उसके बालों को इस तरह करी थी कि वो तुम्हारे तो बाल बहुत सिल्की है और बहुत छोटे होते की बात है यार ये तो सिक्स क्लास की बात है शायद कि मैं उसको कह रही थी कि ओ तुम्हारे तो बाल बहुत सिल्की है उस तरफ दूसरी तरफ से पता नहीं कौन एक और फ्रेंड थी उसने भी करना शुरू कर दिया वो थी कि क्या 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 और वो रोना शुरू हो गई और मैं थी कि वो नहीं सॉरी प्रॉमिस मेरा ये मतलब नहीं था हम तो सिर्फ आम बात कर रहे थे क्योंकि वो मैं सबसे पहले चली जाती थी स्कूल में और वो भी बहुत जल्दी आती थी तो मुझे होता तो हम दोनों बैठ के बातें करते थे मैं उसको छेड़ती थी कि अच्छा हाँ तुम तो वो और मैं उसको छेड़ी और वो एक दिन रोना शुरू हो गई और उस दिन के बाद मुझे हुआ कि ओ शिट नहीं ये चीज़ तो करनी नहीं है ना मतलब कि ये आप किसी को रुलाई दो तो मतलब क्या ही एंड रह जाता है इस बात का मैंने खैर सॉरी किया और सब कुछ लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं किसी को बुली करती हूँ कि नहीं नहीं मेरा नहीं ख्याल तुम बुली हो अब तुम ओवर सेंसिटिव हो हर चीज़ के बारे में हो गई हूँ ना अब कुछ कुछ साल तक टाइप में लेकिन अब मैं फिट हूँ अच्छा आई हैव नेवर बुलीड समबडी बट आई हैव बीन बुलीड तुम लोग तो अमेरिका में ना आई हैव बीन बुलीड I haven't been bullied a lot, but in the beginning years, yes. Because my accent was thick accent, so it was difficult to adjust. On top of it, the children, they don't realize how they're hurting you and all. So they would just say whatever, whatever they came to their mind, whatever they came to their heart. लेकिन मैंने इसकी अमेरिका में होता था ना वो लोग आके छेड़ते थे. लेकिन इसकी solution बहुत easy है. And if there's somebody watching who's being bullied and somebody. He wants to not be in a position where he's bullied iski bahut easy tarika hai isko prevent karne ka wo ye hai ki people bully people who are getting bullied simple for example agar main kisi ko bully karne ja raha hu as a bully mera ek hi goal hai ki mujhe us bande ka reaction mile agar to wo banda reaction nahi deta na bully hone ka agar wo nahi rota to main apne andar disappoint dunga ki yaar ha मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि बुलीज का एक ही मकसद होता है कि वो रिएक्शन लेना जो जिनको तंग करते हुए को तंग करे ना जो तंग हो रहा है उसी को तंग करे अगर आप तंग नहीं हो रहे आपको तंग नहीं करेगा सो आई लर्नड वेरी अर्ली इन माय लाइफ के द पीपल हु कम टू मेक फन ऑफ मी आई स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ माय सेल्फ वो मेरे जब एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे तो मैं कहता था या मैन दैट्स ट्रू आई विश आई हैड अ एक्सेंट लाइक यू गाइस एंड दे वर लाइक साला इधर आ इधर आ गले लग गले लग मैं सिखाऊंगा तुझे एक्सेंट तू रो मत तू मत रो भाई तू लेकिन हां ये चीज होती है लेकिन पता है पुलिस सिंपैथाइज विद द पीपल हु डोंट गेट बुलीड सो जस्ट लर्न टू लाफ एट योरसेल्फ ऑनेस्टली आई थिंक जस्ट एज लॉन्ग एज अगर आप यू नो जस्ट श्रग इट ऑफ जस्ट लाफ एट योरसेल्फ एंड यू शुड बी लेकिन इतना आसान नहीं होता ना वही बात है कि हम लोग कह देते हैं लेकिन इतना आसान नहीं होता उसके लिए इट्स सिंपल वेरी इजी ट्रस्ट मी If you are getting bullied, अगर तुम affect हो रही हो ना उस चीज़ से सुंदर तो bully तुम्हें और bully करेगा अच्छा मुझे लगता है कि आपको reaction वही वाली बात कि reaction ना दो वो तो आप किसी भी चीज़ में reaction ना दो तो आप fit हो फिर आप अपनी आप हर चीज़ में बहुत आसान हो मतलब ज़िंदगी आपकी बहुत smooth जाती है अगर आप हर चीज़ का reaction ना दो हाँ कि अगर तुम क्या हुआ ऐसे नहीं मैं ऐसी मैं सोच रहा हूँ कि हम मेरे साथ सबसे funny bully क्या हुआ है यानी किस बंदे ने आके मुझे क्या किया कि मुझे याद नहीं आ रहा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि या तुमने किसी की कुछ किया हो किसी की पेंट उतार दी हो चड्डी उतार दी हो किसी को मारा हो नहीं पेंट और चड्डी मैं क्यों किसी की उतार नथिंग हाशिर तेरे साथ कभी कुछ हुआ कोई किसी ने कोई बुली किया तुझे आके कभी कभी भी नहीं किया हाशिर में जान ही नहीं कह रहा बुली कुत्ता पड़ा था मुझे नहीं यानी किसी ने तंग किया हो स्कूल में आके वही बात है ना तंग करना और बुली करना तो फिर डिफरेंट बात हो जाती है ना कि आप तंग तो फिर आप फ्रेंड्स वगैरह को करते हो मैं पार्टनर को बहुत तंग करती हूँ यार ये मुझे बहुत तंग करती है जब सुंदर मेरे घर आती है इस कमीनी का एक बहुत
क्लियर इंडिकेशन होता है कि सुंदस हैज एंटर्ड द हाउस. वो ये है कि धग 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 फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं जैसे कोई गॉडज़िला चल के आ रहा है और मेरे दरवाजे पे आके ना ये अजीब म्यूजिक बजाना शुरू हो जाती है लाइक ठकटकी ठकटकी. यार ये मेरा शुरू से है और इस चीज से मेरी फ्रेंड इतना तंग आती है, तप चढ़ती है, इतनी मुझे तप चढ़ती है. हम लोग जब टर्की गए थे हम सारी लड़कियां और हम लोग रात की थकी टूटी सो रही होती थी और मैं सुबह जाके ना नीचे जाके कमरों में ऐसे फुल तबला बजा रही होती थी और वो बेचारी सोई पड़ी उठ के आती थी कि यार सोने दो आधे घंटे की बात है और मैं होती थी नहीं चलो अब यहाँ चलते हैं और मैं बस दोबारा बजा रही हूँ तबला और एंड में उन्होंने खोलने दरवाजा छोड़ दिया था कि साथ वाले दरवाजे से खोल के आ जाते थे कि आप हमारे कमरे में आ जाए बहन ये तबला मत बजाएं आप. लेकिन ये सीन था कि हाँ ये मैं पता नहीं शुरू से बजाती हूँ ये मैं तुम्हारे साथ नहीं करती. क्या वजह है? क्योंकि क्योंकि तुम मुझे रिएक्शन देते हो इस चीज पे. नहीं मतलब पता नहीं मुझसे खामोशी नहीं बर्दाश्त यार मतलब क्या है. मुझसे भी नहीं बर्दाश्त लेकिन एक वक्त होता है एक स्विच होता है. मेरा भी एक स्विच है. 24 घंटे ऑन रहता है. मेरा ऑन नहीं रहता मैं ऑफ कर देता हूँ. मैं ऑफ करके कमरे में चला जाता हूँ. हाँ शाबी जब अपने कमरे में होता है ना फिर मैं थोड़ा सा 0.1% डरती हूँ कि ये अगर कमरे में तो कोई जरूरी काम होगा. लेकिन फिर जब मैं सख्त नफरत है एक तो सुंदस दूसरा सुंदस की ढोल दूसरा सुंदस की ओवर हाइपर एट ऑल टाइम्स एक्सट्रीम एनर्जी और चौथा सुंदस की गुदगुदी. ये तुम पहले पे रखो ये तुम पहले पे रखो ठीक है. इसको इसको पोक करे सुंदस नो इसको कोई पोक करे नो 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 ये आपको इससे मुझे भी बहुत सीधा सीधा कहा है. मैंने कहा मैं तुम्हें पोक करने आ रही थी. कहता अगर मुझे पोक करने आती ना तो इस घर से बाहर जाती. और इसने मेरी आंखों में आंखें डाल के ये बात कही है कि मतलब इस बात का तो मजाक भी नहीं है अगर तुम मुझे ये करोगी. इसने एक दफा मेरे ऊपर पानी का पूरा ग्लास फेंक दिया था. वो तो शुक्र है सर्दियां थी तो मैंने ऊपर वाला स्वेटर उतार के फेंक दिया था अपना. इसने मैंने इसको एक दफा पोक किया और इसने इस बारे में मजाक नहीं लिया. मैं आई बड़ी Yeah, there's one thing I don't like. Dexter or Didi नहीं होते थे. I just don't like poking. I don't know. मुझे यहाँ पे गुदगुदी से सख्त. अच्छा वैसे कहीं और कर ले. हाँ बाकी नहीं मुझे इतना मस्त. नहीं ये तो गुदगुदी अपनी हदें पार करती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता. नहीं देखो ये तो गुदगुदी है ना. हाँ वो गुस्सा है. नहीं वो सब गुस्सा है. गुदगुदी गुस्सा है. तुम्हें गुदगुदी से इश्यूज हैं. मुझे गुदगुदी से इश्यूज हैं. गुसगुसी से इश्यूज हैं. मुझे गुसगुसी और गुदगुदी दोनों से इश्यूज. गुसगुसी से इतने इश्यूज नहीं है लेकिन गुदगुदी से बहुत. लेकिन इसको जो गुस्सा. अच्छा एक सेकंड तुमने बहुत आराम से कह दी ये बात कि मुझे सुंदर से नफरत है. सुंदर मतलब क्या इसके बाद एंड में तुमने कुछ कहना नहीं था कि नहीं यही चीज है. मजाक कर रहा हूं ऑब्वियसली लेकिन मुझे गुदगुदी से प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा. किसी की भी ना मतलब ये जरूरी नहीं है कि सुंदर की गुदगुदी हो. हाँ किसी की भी. नॉट सुंदस इज गुड टिकलिंग एवरीबडी एनीबडी हु टिकल्स मी लाइक आई विल टेल यू गाइस अ फनी स्टोरी एक्चुअली. वंस माय फ्रेंड एंड आई रू एक्चुअली एंड वी हम लोग एक रेस्टोरेंट में थे और पूरा वुल्फ क्रू कनाडा के अंदर हम लोग खाना खाने गए हुए थे. तो रू ने ऐसे मजाक में ना मुझे ही जस्ट गोज बिहाइंड माय चेयर एंड गोज लाइक एंड आई वाज ईटिंग सो आई लाइक जंप्ड फ्रॉम माय चेयर. इतनी देर में मैंने रू को इस तरह देखा. मैंने कहा रू ब्रो लाइक इन ऑल सीरियसनेस डोंट डू दिस अगेन. रू परेशान हो गया. रू कहता है कि शावीर को एकदम क्या हुआ. रू कहता है हा, 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 हा। रू ने मुझे फिर से यू किया. मेरे सामने पानी का जग पड़ा था. आई गॉट द जग एंड आई जस्ट थ्रू इट ऑन रू लाइक दैट लिटरली. वालेकुम अस्सलाम हाउ आर यू. सो आई लिटरली थ्रू दैट कोल्ड वाटर जग इन सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट. तो मेरे लिए तो मजाक ही कोई नहीं. नहीं ये वाला तो मेरे तो मैं तो रिश्ते तोड़ दूं. ऐसी बात ये वाकई रिश्ते तोड़ दे. ये मुझे नहीं मुझसे नहीं बर्दाश्त होती. आई कैन दिस इज जस्ट वन थिंग आई कैन. पता नहीं मुझे ऐसी क्या चीज है जिस पे बहुत तब चढ़ती है पार्टनर. मुझे किसी चीज पे बहुत ज्यादा तब चढ़ती है मतलब मैं पागल हो जाऊं. हां व्हाट इज दैट. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन गोइंग थ्रू. पता नहीं. गुड मैं सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करूंगा. तुम फिगर नहीं करो. हम मिलके फिगर आउट करेंगे सुंदस. हम मिलके पहचानेंगे तुम्हारी. हम मिलके सोचेंगे कि सुंदस को किस चीज पे अच्छा इस पे तपती है. हाँ नहीं मैं हूँ जब तक तुम्हारे साथ. फिगर नहीं करनी. मैंने कुछ भी नहीं किया. मुझे ये चीज से भी नफरत है. अच्छा इतना नहीं. आई एम सो टिकलिश. That's when somebody is yes, that's uncomfortable. So don't do it. ये मार दे किसी को किसी के पीछे. इसके पीछे मतलब If I have a,
if I have a weapon in my hand and somebody is tickling me uncontrollably, I will not have a choice but to use that weapon. Is all I'm saying. I swear to God, if I have a gun in my hand, I'm not a killer. I'm not a murderer. But if I have a gun in my hand and somebody's tickling me, I'm gonna have to pull the trigger. I'm sorry, I can't handle it. Yeah, वो नहीं हेरा फेरी में उसने हेलमेट पहना होता और वो तार इसको खोपड़ी तोड़ साले की उसको कोई आगे कुछ करता है कोई चोट लगती है उसको और वो बस गन चलाई जा रहा होता है किधर है सारी और सारे परे पड़े होते हैं उसको करंट लगा होता ना तो वो उसके हाथ में गन होती है तो वो डिश 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 चलती रहती वो तो हलचल में थी खैर ये सीन ओए हां वो हलचल में थी सॉरी हां तो बट या लाइक आई 110% आई एम श्योर दैट आई विल यूज अ वेपन प्रियंका को मैं आगे डाल के कह रहा है नहीं वाटर हम बात कर रहे थे इस बारे में हम इस बारे में बात कर लेते हैं मेरी जान मेरी मेरे भाई मेरी बात सुनो कोई मसले वाली बात नहीं है मुझे इसको हाथ लगाते हुए भी कभी-कभी डर लगता है कि इसको गुदगुदी ना हो जाए तो कहती मेरी आंखों में आंखें डाल अच्छा इसका ना अब ये सीन है कि इसको ना मुझे हाथ लगाते हुए भी डर लगता है कि मैं इसको ऐसे करूं इसको गुदगुदी हो जाएगी मैं तो गई ना फिर मेरी तो गई मैं तो गई तो मैं डर गया मैं डर गया मैं तो इसको कहती हूं कि ओ पार्टनर अच्छा हां हां बस दूर से मैं तो अपने आप को हम कहती हूं हम आए मैं अपने हैं आप को जी कहता हूं इतनी इज्जत देती हूं ना मैं कहती हूं हम आ रहे हैं आपके पास मतलब इज्जत दी है ना अपने आप को इतनी भोजपुरी भोजपुरी बोलते हैं ना हम हां मुझे नहीं पता कौन सा डायलेक्ट है ये मुझे नहीं पता हम आ रहे हैं हम जा रहे हैं हमने सोचा हमने कहा अपने आप से अपने ना आप ऐसे अपने आप को कह दिया ऐसे नहीं हमने अपने आप से कहा तो ऐसे इज्जत देंगे तो फिर इज्जत मिलेगी नहीं मैं भी अपने आप को बहुत इज्जत देता हूँ मैं अपने आप को अपन बोलता हूँ भाई बोलता हूँ मैं खुद को अपने आप की इज्जत यार कि बाहर कोई मोटरबाइक चला रहा है हम मोटरबाइक लेने लगे मोटरबाइक से याद आया हम लोग सुंदर सनायर इन अ वेरी 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 सीरियस कमिटमेंट ऑफ गेटिंग अ मोटरबाइक राइट नाउ नॉट राइट नाउ लाइक नेक्स्ट पेचेक में हम वेस्पा लेंगे हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक बाइक जो कि हम लोग छोटी फटफटी में बैठ गई हमें चक्कर लगाए कितना मजा आया वो वाला अमिताभ और वो उसके वाला वो साइड पे वो भी ले ले एक छोटा सा कस्टम मेक करें उसको हाँ कोई बनाता है तो प्लीज हमें बता दे समरी कैन एक्चुअली कस्टमाइज मोटरबाइक पे करेंगे लेकिन वो जो अमिताभ बच्चन और क्या नाम था उसका धर्मेंद्र दोस्ताना में थे वो दोस्ताना में तो उनके बच्चे थे शोले शोले के अंदर जो वो बैठे हुए होते हैं और पार्टनर में से मोगर हमें मिल जाए सोचो यार वो बड़ा मजा आया यार सोचो हम हेलमेट पहन के बस बैठे हुए और बस एक बंदा बैठा साथ बोर हो रहा गुंग 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 दैट्स गोना बी फन सो इफ समबडी नोस हाउ टू कस्टमाइज इट प्लीज लेट अस नो पुट इट इन द कमेंट्स बिलो और ईमेल मी एट माय ईमेल एड्रेस यू विल फाइंड इट ऑन माय इंस्टाग्राम बायो एंड जस्ट लेट मी नो बट एनीवेज I think that is all for the podcast today. Do you want to say anything else? No, not really. You want to give one last closing remark on any topic of your choice? Please like, subscribe and comment. Please like, subscribe and comment. And guys, also, by the way, you can comment. Nee, ek second. Okay, wait. Let me say that again. Guys, make sure that you comment below and let us know any topic you want us to explore, want us to talk about. Please do subscribe to this channel and make sure that you give this video a thumbs up if you liked it. And thank you so much for watching this podcast. Bye. And we will, as always, catch you in the next one.